नाला सुपारा क्राइम ब्रांच 3 की टीम ने पैसों से भरी वैन को जब्त कर लिया है। और इतने पैसे किसके हैं और कहां से लाया गया, इसकी जांच जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर 2 बजे के करीब क्राइम ब्रांच 3 की टीम को एक एटीएम वैन में संदिग्ध कैश होने की सूचना मिली थी। तभी पुलिस टीम ने वैन और उसमें सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं उन्होंने बताया कि वह यह रकम बैंक के एटीएम में भुगतान करने के लिए लाया था। हालांकि वैन में 3.5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मेल नहीं खाने से इस रकम को लेकर संदेह पैदा हो गया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अविनाश आम्बुरे घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी थाने में जमा हो गए। यह घटना संदिग्ध है। वहीं माना जा रहा है कि इस कार में 3.5 करोड़ रुपए हैं, जिनमें से केवल 40 लाख रुपए लीगल पाया है। बाकी नकदी कौन लाया और कहां से लाया, इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी नेता उमेश नायक ने गहनता से जांच करने की मांग की है। जहां तक मुझे खबर मिली है, ये 3.5 करोड़ के दरमियान की कैश मिली है। हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो इलेक्शन के दरमियान रखा जाता है, उनके जरिए अभी काम आगे का चालू है। हमारा नाला सोपारा पुलिस स्टेशन का क्राइम ब्रांच है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन्होंने गाड़ी ताबे में ली है और गाड़ी के साथ 2 आदमी को भी ताबे में लिया है। जहाँ तक एकदम बेसिक एंड शुरुआती चौकसी में ऐसा मालूम पड़ा है कि उसमें 3.5 करोड़ की कैश होने के बावजूद 40-45 करोड़ का कुछ हिसाब उनको लग रहा है, लाख का 45 लाख का लग रहा है। बाकी का अभी तक उनको हिसाब नहीं लग रहा है, इस बारे में उन लोग चौकसी कर रहे हैं। इन्होंने आईटी डिपार्टमेंट के लोगों को बोला है, हमारे इलेक्शन के जो लोग हैं वो उनके साथ आए हैं, इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है और आगे की प्रक्रिया चालू है। प्रक्रिया होते ही वो उन लोग अपने को प्रेस नोट के जरिए बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, इस दौर में इतनी बड़ी अमाउंट। देखो, ये छोटे मोटे हमारे जैसे पार्टियों का काम नहीं है, बड़े पार्टियों का काम हो सकता है। और तो अब देखेंगे अभी हमारे पुलिस तपास में या उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या आ गया था। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट।